एक अमीर व्यक्ति है, साथ में गरीबी नहीं है, इसमें मेरा गलती नहीं है, समय का दोषी है। पंचायत के ऊपर कई फंड आया है, मोटा रकम में पैकेज मिला भर भर बोरी का, खोया वो बढ़ते। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में तो पंचायत में लंबा चौड़ा विकास हुआ। मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। आज है मकर संक्रांति तिलवा पर्व की दिन। मेरे फैन फॉलोवर यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक कुक समेत मेरे पंचायत के तमाम छोटे बड़े बड़ बुजुर्ग बच्चा बत्रों को तहे दिल से नमस्ते प्रणाम। मकर संक्रांति के दिन आप समस्त परिवार फैमिली को मंगलमय हो। तिलवा पर्व के दिन आपके परिवार में आपके हृदय के अंदर काफ़ी खुशी महसूस होगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में अब तक कोई फंड नहीं आया है। फंड आता तो उससे इनकम होता, कमाई होता, अपने पंचायत में तिलवा बांटते, शक्कर बांटते, लरवा जो होता है खौवा खोया वो बांटते। पिछले चुनाव में जो आरजेडी का सरकार था, बीजेपी का सरकार था, तो भर भर कोई भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन सत्तू मोटा रकम में पैकेज मिला भर भर बोरी का, बहुत बड़ा बोरी में भर भर का पैसा मिला, तो पंचायत में लंबा चौड़ा विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार कोई फंड ही नहीं आया है, तो विकास क्या होगा। हमारे घोषणा पत्र के मुताबिक से पंचायत के ऊपर कई फंड आया है ऊपर से, लेकिन वो भी फंड दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें। बात है कि कोई आगे बढ़ता है उसको टेंगड़ी पकड़ के खींचने के फेरों में रहता है, कोई करने के लिए चाहता है तो कोई बिगाड़ने के लिए चाहता है। इसमें मेरा गलती नहीं है, समय का दोषी है। एक अमीर व्यक्ति है नहीं, उसको बिगाड़ने वाला का दोषी है, समय का खेला है, समय का दोषी है, न कि किसी पब्लिक का। समझ होना चाहिए कि जब फंड आया है तो उसकी भरपूर्ण लाभ लें। भरपूर्ण लाभ लेने से अपने अंदर अपने पंचायत में एक झलक अनोखी अंदाज आती है कि यहाँ पर इस तरह का काम हुआ है। पंचायत में गरीबी नहीं है, हमारे पंचायत के सभी छोटा वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग के बच्चा और घर परिवार एक अमीर व्यक्ति है, उसको फंड उनका कोई उतना जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं से आते हैं मेरे पंचायत में बिलोंग करते हैं, किसी के घर में चले जाइए, आपको सत्तू जरूर मिलेगा। कोई भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन सत्तू एनी टाइम मिलेगा, अब जब चाहते हैं। और बड़े दूर से जो मेहमान आते हैं, दूसरे पंचायत से बिलोंग करते हैं मेरे पंचायत में, तो उनको हर तरह की भरपूर्ण सुविधा आनंद मिलती है, खाने से लेके पीने तक, ऐश मौज मस्ती तक। इधर रेलवे ट्रैक, इधर गंगा नदी, NH हाईवे, बगल में स्टेशन, हर तरह की एंजॉय ले सकता है।